ये तुम लोगों ऐसे की जाने ना दो पेटी हमारे मेरे सामने बन रहा क्रेजी में बस्ती का। हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं न्यू मीम वीडियो लाकर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना। ओके देखो एक सवाल था, अच्छा कंटेंट कैसे बनाए, इसके ऊपर कुछ टिप्स होस्ट हो रहा है। चलो जैन भाई नहीं आया था मैं यहाँ बेइज्जती के लिए आया हूँ मैं। अभी तो एक और है, रुको तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं होस्ट मार तो दूं लेकिन ये है कौन, ये ड्राइवर और कंडक्टर के बीच में क्या फर्क है? बस अब देख, अगर कंडक्टर सो गया तो सबकी टिकट कटने से बच जाएगी। अच्छा, और ड्राइवर सो गया तो सबकी टिकट एक बारी में कट जाएगी। आपको एक मजे की बात बताएं हम जी। आप कभी ऐसे तीन पत्ती खेलेंगे ना तो फिर वो तीन पत्ती नहीं रहेगी, वो हो जाएगी सान पत्ती। मत हिलाओ ताबिश, क्यों गिर जाती है क्या? बच्चे इतने सवाल नहीं करते। क्यों, बड़ों को जवाब नहीं आता? खबरदार तू टीवी के सामने आया तो क्या टीवी के पीछे से कार्टून देखेंगे? आपको इंग्लिश आती है? आती है। कितने मजे आती है? इतना मुश्किल है ना बच्चों को हैंडल करना। लेकिन बच्चों में हैंडल कहाँ लगे होते मम्मी? वो लाल मिट्टी वाले को देखो, उसकी नाक इतनी लंबी है। तुम्हें इतने समय उसकी नाक दिख रही है? नहीं। You know what they say? लंबी नाक मतलब तुम्हारी नाक काफी छोटी है। सारी उम्र मैं जो भाई तो उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। अच्छा, उसने कहा तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। उसने कहा कि तेरी याद में बरसों से प्यासी हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मैंने उसके मुंह में पाइप डाल के मोटर चला दी। कौन, कुशीनगर की रिक्शा ड्राइवर की बेटी या मिस इंडिया रनर अप? रनर अप मतलब वाओ, बिग बॉस में ग्लैमर तो होना ही चाहिए। तो इन्हें पता भी है कि तुम लाखों लड़के को यार। अबे ये कैसा ग्लैमर है, सकल पे टाइड मार दिया क्या? सपने देखना मुश्किल नहीं होता, बस मेकअप करना आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम संडे को खाली हो? नहीं, मैं घर पर सोकर टाइम पास करने में बिजी रहूंगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। आप क्या कर रहे हैं पार्क में? मैं खाना देने आया था पापा को। पापा को पार्क में खाना देने आए? हाँ, पापा वहाँ जुआ खेल रहे हैं ना। भाई मैं बता दूँ, जुए में पूरा घर चला जाता है, संसार चला जाता है, तुम्हारा घर बिक जाएगा। अच्छा, वो आदमी तो बर्बाद होगा ही होगा, उसके साथ जितने लोग हैं वो सब प्रॉपर्टी लेके सब बर्बाद हो जाएंगे। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। मैं भी भैया यही समझता था कि घर बार सब प्रॉपर्टी चला जाता है, लेकिन आपको क्या बताऊँ, हमारे दो घर बने ही इस काम से। अब ना सानुदा ये बात सही है, ऐसे देख के भी गाना बन जाता है। जैसे अभी मैंने एक दूध की दुकान एक नई खुली, उस पर रिकॉर्डिंग चल रही थी, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, अपनी भैंसे अपना बाड़ा, दूध मिलेगा गाढ़ा गाढ़ा। चलिए बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं? 12 राज्य हैं। 12 राज्य? हाँ जी, 12 नहीं 29 राज्य। 12 मैंने बताया, बाकी के 22 ये बताएगा ना। अरे अगर बाकी का बताएगा अभी तो 22 क्यों बताएगा, 22 और 12 तो 34 हो गए ना। आप हिस्ट्री पूछने आए कि मैथ्स पूछने आए हैं? एक सलाह देता हूँ, सर कभी जोड़ के मत बैठना। मगर क्यों? नहीं तो किसी को लगेगा कि पैंट उतार के उल्टा बैठा हुआ। अभी हमें स्टेशन छोड़ने के बाद सीधा घर पहुँच जाना, यहाँ वहाँ भटकना नहीं। और हाँ, फ्रिज में 2 दिन का खाना रखा हुआ है, तो बाहर का खाना दोस्त या फिर बाहर की हवा, कुछ भी करके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। हाँ माँ, पता है मुझे। करण कौन है? बाबा तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आई मैं कब से तुम्हारे घर के बाहर आई हूँ, छुप के बैठी हूँ, जल्दी आओ। अंकल आंटी गए नहीं क्या अभी तक? बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। सुनिए जी, अब आप ट्राई कीजिए। सुनिए जी, ये क्या ये क्या है? नहीं
सही है। मैं बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, अंतर मैं बताऊंगा, ठीक है। दर्शकों प्लीज प्लीज देखो, जानवी जी क्या कर रही है सुनिए, सारा जी क्या कर रही है, चल बैंक से पैसे चुराते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, वो कबूतर ऐसा चिट्टी लेके ऐसा उड़ा, अच्छा। फिर बाद में एक प्यासा कौआ, अच्छा, नीचे जग में ऐसा ऐसा कंकर डाल रहा था, वो गलती से कबूतर के मुंह से चिट्टी गिर गई, कौए के पैर में, कौए ने खोला, अंदर लिखा था आई लव यू, फिर वो कबूतर नीचे आया चिट्ठी लेने के लिए, फिर क्या कौआ पैसा था, तू समझा। आपका नाम क्या है? भव्या। भव्या मेरे को ये बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? गुड क्वेश्चन, आप इतने बड़े हो आपको ही नहीं पता। गजब बेइज्जती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताओ। केजू। कौन केजू? केजरीवाल। आई लव क्रिकेट, टीम इंडिया, आई डिड धोनी, हेलो आई लव क्रिकेट। यू डिड धोनी? मरने लगे तेरे मेरे हस्बैंड है, हाँ जी। हम लोग जब सोने जाते हैं तो ये राइट साइड होते हैं और मैं लेफ्ट साइड होती हूँ। अच्छा अच्छा जी। थोड़ी देर बाद जब मुझे नींद आ जाती है तो मैं इनको धक्के दे दे के लेफ्ट साइड कर देती हूँ और खुद राइट साइड हो जाती हूँ। क्या बोला तूने? और ये सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। ओ यार, तो बस साइड ही बदलते रहते हैं और कुछ। यार समझ नहीं, यार इन भाई पे मिल जाएगी सीढ़ी। भाई 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 सीढ़ी चाहिए थी यार। सीढ़ी बताओ भाई कौन सी चाहिए? ये रही अपने पास, अपने पास बहुत सीढ़ी है। ये नहीं यार, पापा ने बोला था वाली सीढ़ी लिया। कौन सी सीढ़ी मेरे को बताओ तो। अरे भाई वो कामयाबी की। क्या बोला तूने? भाई वो सीढ़ी अभी किराए पे गई हुई है। किसको दे रखी है? मुकेश अंबानी को। तेजस्वी लोग है हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।